नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो। तो वीडियो है सऊदी अरेबिया कमिट्स टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन पाकिस्तान। मेजर साहब की वीडियो है, मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए यूएई और यूएई में मिले वहां के राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि आप ये मत समझिएगा मैं मांगने आया हूं कुछ आपसे, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है और जब भी पाकिस्तान से कोई आता है तो मांगने के लिए आता है। लेकिन इस गलतफहमी में आप मत रहना बॉस कि इस बार शहबाज शरीफ कुछ मांगने आया है। नहीं, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया, मैं आपसे लोन भी मांगने के लिए नहीं आया। मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट चाहता हूं पाकिस्तान। ये गुहार लगाई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। ये खबर देखिए आपके सामने भाई साहब। ये मिले हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट यानी कि वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से। और शेख अल नहयान ने $10 अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का वादा किया है। अब लाहौरी लंगूर जो है, एक तो लाहौरी चूरन मैंने शुरू करा था, आज एक नया शब्द देता हूं लाहौरी लंगूर। अब लाहौरी लंगूर नाचेंगे दोस्तों। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान मालामाल मालामाल मालामाल, पार्टी हो जाएंगी भैया, दुम्बे खाए जाएंगे, बिरयानी कोरमा, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में खाई जाएंगी, सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना ठीक है। आज है 24 मई, ओके 24 मई की तारीख है। ये वीडियो पाकिस्तानियों सेव कर लेना, तुम्हारे यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सऊदियों ने भी तुम्हें गोली दी है ठीक है, यूएई वाली भी तुम्हें, ये कोई तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट, ये कर क्या रहे हैं अब ये समझ लो, ये कर क्या रहे हैं, लिसन टू मी। और ये होने वाला है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों, सेव कर लेना, फिर मुझे आके बोलना कि हां पापा आपने ठीक बोला था। पहली चीज, क्या वो लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब और पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब आप तो कह रहे हैं पैसा आएगा, अभी अभी तो आपने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई साहब, वो आपके कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हैं, वो आपके कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हैं। उन्होंने चीन से एक बहुत बड़ी बात सीख ली, उन्होंने ये देखा कि यार पाकिस्तान के साथ तुम बिजनेस नहीं कर सकते। एक ऐसी कौम जिसने 76 साल में सिर्फ जांगी और बनियान बनाए हों, कुछ तौलिए बनाए हों, उनके साथ आप धंधा क्या करेंगे? कोई टेक्नोलॉजी के मामले में, कोई मेडिसिन के मामले में, कोई वैक्सीन के मामले में, कोई सॉफ्टवेयर के मामले में, कोई ऑटोमोबाइल्स के मामले में, कोई इन्वेंशन हो, कोई डिस्कवरी हो, कोई नई बात हो, नहीं। एक था बेचारा जिसको नोबेल प्राइज मिला था, बेचारे तो दो थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, दोनों को टांग दिया। लेकिन वो तो साइंसदान था, और वो जो साइंसदान था पाकिस्तानी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, He was amongst the finest scientists of the world. As an Indian, मैं कहता हूं, he is one of the finest scientists of the world. हाँ, आपने उसको निपटा दिया, ठीक है। तो भैया देखो, ये जो कह रहे हैं ना यूएई वाले कि हम $10 अरब पाकिस्तान में डालेंगे, बिल्कुल ये 10 नहीं 20 डालेंगे, 30 डालेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। कमी कहां पे होगी? कोई एयरपोर्ट ले जाएगा, कोई 10-15 रेलवे स्टेशन ले जाएगा, कोई जमीनें ले जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग ले जाएगा, कोई डैम ले जाएगा, आपके घर के बर्तन बिक रहे हैं। अब दोस्तों मैं ये समझा देता हूं, खासतौर से पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? आप किसी चीज में पैसा डालते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि हम अगर 100 रुपए डाल रहे हैं तो 10-15 रुपए हम इससे कमाएंगे, और जो 100 रुपए हमने डाले हैं वो सेफ हैं, वो महफूज हैं, इसके ऊपर से हम पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र यही होता है। अब पिछली बार पाकिस्तान से पैसे कमाए किसने थे ये बताइए? सारी की सारी कंपनी आपकी शेल जो थी ऑयल रिफाइनरी वाली, वो निकल ली पाकिस्तान से। पाकिस्तान से होंडा निकल ली, सुजुकी निकल ली, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ का काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कभी हुई नहीं, तो जोड़ तोड़ का काम करती थी, विदेश से पूरे पार्ट्स आए यहां पर जोड़ा बेचा, उन लोगों ने भी पैकअप कर दिया। अब आप ये चाहते हैं
कि इस्लाम के नाम पे आप लोगों से भीख मांगें और वो यहाँ पे कोट अन कोट इन्वेस्टमेंट करें, इस्लाम के नाम पे करें। एंटर सऊदी अरेबिया, एंटर यूएई। अब पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। मेरे दोस्त, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और तुम्हारे पास ज़मीनों के अलावा कुछ है भी नहीं, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब एक प्रपोजल आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपकी जो फौज कह रही है ना कि हमें इतने मिलियन एकड़ दे दो, 1 मिलियन 2 मिलियन एकड़ ज़मीन दे दो और हम इन ज़मीनों में कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे, आपकी फ़ौज का प्रपोजल है। मैं नहीं कह रहा कितने मिलियन या 10 लाख या 20 लाख, पता नहीं कितने लाख एकड़ आपकी फ़ौज ले रही है कि हम इसके ऊपर खेती बाड़ी करेंगे। ये काम होता है फ़ौज का, खेती बाड़ी करना। फिर आप कहते हैं आपकी अजीम फ़ौज है, ये फ़ौज ये धनिया उगाएगी, गजवाए हिंद करेगी, ये बताओ पहले मुझे। ये तो धनिया उगाने वाली बात कर रहे हैं, गजवाए हिंद आपके दिल में है। आप कह रहे हैं कि फ़ौज हमारी गजवाए हिंद करे, काफिरों को मारे, दिल्ली के लाल किले पे सब्ज परचम लहराया जाए, ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनकी अजीम फ़ौज, नंबर वन फ़ौज ये काम करे, नंबर वन ISI जो दुनिया की नंबर वन एजेंसी है वो ये काम करे, गजवाए हिंद कश्मीर हासिल करे, दिल्ली हासिल करे और पूरे के पूरे भारत पे दोबारा एक बार मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाए। यह हम पाकिस्तानी चाहता है और चाहता है कि उसकी फौज यह कारनामा करे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी क्या चाहती है? वो कहती है प्याज कौन उगाएगा, धनिया कौन उगाएगा, पालक कौन उगाएगा, गोभी चाहिए कि नहीं चाहिए, टमाटर के लिए बड़ा चूचू कर रहे थे, अब तुम्हारे मुंह से गजवाए हिंद निकल रहा है, टमाटर चाहिए कि नहीं, ये सब मैटर हो रहा है। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि इसके बीच में UAE कहां से आ गया, ये टमाटर धनिया प्याज, ये जो आपकी कॉरपोरेट फार्मिंग का जो फ्रॉड कर रही है ना फौज आपकी कि हम कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे, ये सारी की सारी जमीनें जो है कोई क्यों लगाएगा यार? एक बात बताओ, पाकिस्तानी सब छोड़ो, मारो गोली इन सब चीजों को, कोई क्यों लगाएगा तुम्हारे ऊपर 10 अरब? तब लगाएगा ना जब कहेगा कि मेरे 10 अरब महफूज हैं, बिल्कुल सेफ हैं और 1-2 अरब में ऊपर से और कमा लूंगा, तभी तो लगाएगा कोई 10 अरब। आप ये चाहते हैं कि 80वीं मुसलमान, 83वीं मुसलमान, बस चेक काटते रहो, इस्लाम के नाम पे चेक काटते रहो। लेकिन ऐसा दुनिया चलती नहीं है यार, सबको अपना घर चलाना होता है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और जो शेख है वो बेवकूफ तो है नहीं, है ना। तो अब वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। नाम उसका इन्वेस्टमेंट है। होने क्या वाला है? तुम्हारा डमरू बजने वाला है, अच्छा वाला, रिकोडिक ले लो, तुम्हारे बड़े बड़े डैम ले लो, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं ये सब जाने वाले हैं। तुम्हारी एयरलाइन PIA वो भी एक विदेशी खरीदेगा। पाकिस्तानियों में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तानी खरीद लें और उसको लोन बर्दाश्त कर लें, नहीं, कोई पाकिस्तानी इतना बेवकूफ नहीं। या किसी, या तो तुम्हारा कोई वजीर ले ले बहुत बड़ा जो निहायत ही करप्ट हो, फिर वो चलाए और अचानक देखना कि PIA फिर पैसा भी कमाएगी, जब तक सरकारी थी लॉस में जा रही थी, अचानक PIA पैसा कमाएगी, या तो ये चीज़ हो जाए। 90% मुझे ऐसा लगता है कि कोई विदेशी कंपनी ले जाएगी तुम्हारे एसेट्स। एक ज़माना था जब भारत, पूरा जो भारत है ना, यूनाइटेड इंडिया जिसको हम कहते हैं, अखंड भारत, इधर अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अखंड भारत में तो खैर बहुत कुछ और भी शामिल है, लेट्स टॉक अबाउट प्री पार्टीशन इंडिया, चलिए प्री पार्टीशन इंडिया बोल लेते हैं। वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करा लगभग 100 साल, उसके बाद 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मंगल पांडे ने उसकी शुरुआत करी थी मेरठ से। उसके बाद कंपनी का राज चला गया, उसके बाद यू नो द किंग ऑफ ब्रिटेन, उनका राज आया और ये सब देश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया। अब दोबारा पाकिस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, भारत के अंदर आ नहीं सकती क्योंकि हम तो बाप बन गए सबके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दोबारा ये जितने भी लोग हैं धीरे 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 चले, चीन है राइट, या फिर अब सऊदी अरब है, या फिर UAE है, ये सारे के सारे बन के आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक एक करके दोस्तों आपके घर के बर्तन ये लोग खरीद रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दे रहा हूं कि 10 अरब की सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट आपके देश में आ रही है। और अब आप देखना, आज की तारीख का वीडियो है, 24 मई है, वीडियो सेव करके रखना, आपको 1-2 महीने के अंदर सच्चाई पता लग जाएगी। ये मत भूलना कि मेजर ने आपको सबसे पहले बताया था कि आपकी जेब कटने वाली है। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था सऊदी अरेबिया और UAE पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और
इसके लिए सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन बार बार पाकिस्तान आ भी चुके हैं, जा भी चुके हैं, किन मुआहिदों में कौन कौन से मुआहदे किए जाएंगे उसकी सारी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। अब जो है MBS मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे तो इन मुआहदों पर एक दस्तखत किए जाएंगे सारे के सारे। दूसरी बात है कि UAE की खबरें दो तीन दिन से चल रही हैं कि वो भी पाकिस्तान में $10 बिलियन ही इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब देखिए खबरें तो कुछ आए हैं, पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि अब कर्जा नहीं, अब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कुछ भी नहीं है, बहुत सारे अदारे लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, क्योंकि एक तो जहाँ पे कुछ ना हो या जहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट हो, दोनों में ही अपॉर्चुनिटी रखती हैं। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर वो कोई बंदा आके वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो यहाँ से प्रॉफिट बनाएगा। और एक बंदा होता है कि पहले से ही सेट मार्केट है, उसको पता है कि मैं इसमें जाके इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वो भी मोटा पैसा बनाएगा। तो इसी तरह से पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है जी, और पाकिस्तानी इतने ही नालायक हैं कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा बर्बाद हो जाएगी या वहाँ पर दहशतगर्दी है, ये वो एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को अमन है और हर तरीके से तैयार है नई इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आए तो सही, जब आएगी तो पाकिस्तानी उसको वेलकम भी करेंगे। और ये वो टाइम गुजर गया पाकिस्तान के पास खुद के पास, अब टाइम नहीं है कि कुछ ऐसी नाहरियां या नालायकियां करें, अगर फिर भी करेंगे तो फिर पीछे बचेगा ही क्या। बिल्कुल ऐसे है कि ये चीज़ चेक करें कि उनको पता है कि भाई हमने आज़ाद कश्मीर से क्या क्या वादे कर लिए हैं सब्सिडी देने के लिए, किन किन चीज़ों पे वो हमने सब्सिडी देनी, कैसे है कि भाई उनको पता है कि हम अब ऐसे जाएंगे, विजिट करेंगे दूसरे ममालक के, वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कर्जा ये वीक जो भाई इतना भी कोई नहीं कर लिया। नहीं भाई ये देखे ना कि अब सऊदीया भी कर रहा है और नहीं कश्मीर से इतने वादे क्या कर लिए। नहीं भाई वो इतना कोई वो फॉर एग्जाम्पल उनका जो है वो बिल सस्ता किया, बिल में रिलीफ दिया है, वो आटे में रिलीफ दिया, ये सब कुछ वो 2 रुपए यूनिट ही पड़ती है। लेकिन जो टैक्स उनके ऊपर वो लगा रहे हैं बिजली के ऊपर, जैसे पंजाब और दूसरे में जो सूबों से ले रहे हैं टैक्स, उनके ऊपर भी वैसे ही टैक्स लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें वो टैक्स वाली बिजली नहीं चाहिए, हमें वो बिजली चाहिए जो यहाँ से जिस कीमत पे बन रही है उसी कीमत पे जो हमसे चार्ज किया जाए। तो वो सब्सिडी उनको देने के लिए जो है वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट आएगी। और पैसों की बात कर रहे हैं, अगर वो सारे ये गंदम वाला घोटाला ना होता तो कश्मीर वाली सब्सिडी पूरी हो जानी थी। खुश आई है अब चीजें, पहली बार है कि वो मेजर साहब जब अच्छी बातें भाई शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई शेख साहब आप समझे कि मैं यहाँ पे भीख मांगने आया हूँ, तो पिछली दफा उन्होंने कहा लेकिन क्या करें मजबूरी है, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा नहीं इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बात है जी, दे रहे हैं दुरुस्त है। अगर इसी तरह से बराबरी के ऊपर काम करेंगे, अपने आप को अहल साबित करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्त जो है वो तो आपके लिए बाएं खोल हाथ जो है ना फैलाए खड़े, लेकिन आपको अहलियत भी साबित करना पड़ेगी कि भाई आप अगर आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट लिए बैठे हैं, उनके पास वो पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब देखिए वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में, कश्मीर में, अमेरिका में, कहां कहां में जो है जो मिडल ईस्ट के जो शेख हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो तो ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई बंदा काबिल आए, हमें आए और आगे खुद भी कमाए, हमें भी कमा कर दे। तो यही सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल आपको इस काबिल होना चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट जो है ना मुल्क में लेकर आए, इन्वेस्टमेंट आएगी तभी लोगों की खुशहाली आएगी, तभी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मुल्क का जो है एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी घर में, जब घर वालों की कमाई बढ़ेगी तो फिर जो है ना खर्चे करना जो है मैनेज कर हो जाते हैं, लेकिन अगर कमाई नहीं आ रही, कर्जों पे घर चल रहा है, तो फिर वो आगे कैसे सर्वाइव कर पाएगा। एक ना एक दिन मुल्क अब नहीं चल सकता, अब नहीं चल सकता, बिल्कुल अब करना पड़ेगा और करना ही डेफिनेटली करना पड़ेगा अगर इस मुल्क को बर्बादी से बचाना है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।